लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। चेला पांडी, ए चेला पांडी, तुमसे मिलने कोई आया है? तू हमारे बारे में नहीं जानता, मेरे लिए इज्जत ही सब कुछ है। हेलो हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग, 1 2 3, सब लोगों को सुनाई दे रहा है ना? अमिल की जय हो। हमारे माननीय वीरा ठाकुर की पोती की और इंडिया के बॉर्डर में जो फौजी हिफाजत करता है, हमारे बड़े भाई पेरुमल ठाकुर की पोती के ईयर पर्सिंग फंक्शन में जो भी आए हैं, गांव वालों का और उनके रिश्तेदारों का हमारी तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। परमेश्वरी। हाँ जी। पांडे आ गया है, जल्दी से उसके लिए खाना लेकर आओ। ठीक है जी। hey, ये क्या कर रहा है? हड्डी निकाल कर खा, बच्चे के जैसा खा रहा है। सुबह उठकर तेल से अच्छी तरह मसाज करने का, उसके बाद नहाने का, फिर एक मुर्गी को तेल में गर्म करने का, उसके बाद उसके रस को पीने का। उससे क्या होगा पता है? तेरे दोनों हाथ पैर मजबूत रहेंगे। अभी भी किसी को उठाकर पटक सकता हूँ। इसे कहते हैं गरम खून। तेरे भाई को भी मैंने कहा है, बॉर्डर पर कम से कम 10 लोगों को मौत के घाट उतार कर आना। चल अब रस पी ले। चाचू। हे बेटा, खाना खा लिया ना? खा लिया। तो फिर चले। ए पांडी, सामने जो मंडप वाला है ना, उसे कहना मुझसे आकर मिले। ठीक है पापा, मैं बोल दूंगा। सर, हमें 10 बजे तक कोर्ट पहुंचना होगा। ठीक है। नमस्ते सर। जाएंगे। नमस्ते भाई साहब, हैं क्या? हाँ है ना सर। नमस्ते भैया। आओ इंस्पेक्टर, बैठो। कोई बात नहीं, बताओ कैसे आना हुआ? मामला मीडिया तक पहुंच जाएगा तो प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी। लिया हुआ पैसा वापस नहीं किया, ब्याज भी नहीं दिया और बोलता है कि पैसे नहीं है। लेकिन पिछले ही हफ्ते उसने नया टीवी और फ्रिज लिया। मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहा था, इसीलिए उसके परिवार को उठा लिया। भाई साहब, मामला SP ऑफिस तक पहुँच गया है। कोई बात नहीं, मैं देख लूंगा। भाई साहब, परेशानी आपको नहीं, परेशानी मुझे है। मेरी नौकरी चली जाएगी। जो भी पैसा देना है वो मैं देता हूँ,
एक बार उसे आप माफ कर दीजिए। तुम हमारी बिरादरी के हो, तुम्हारी नौकरी ना जाए इसीलिए उन्हें छोड़ देता हूं। हे कालिया, कमरे की चाबी लेकर आओ। इंस्पेक्टर। हाँ भैया। अब पैसे की जिम्मेदारी तुम्हारी है, याद है ना? हाँ याद है, मेरी तो दोनों तरफ से बच रही है, पुलिस की भी क्या जिंदगी होती है, है? मैं चलती हूँ, बाय बाय। अरे हमें भी नहलाने का ना। अरे सुनो यार, खेड़ापुर वाले परेशान करना शुरू कर दिए। बहुत मजा आएगा, गलत बात मत कीजिए साहब। तू चलना। हमारे गांव का ग्राउंड है, बेवजह हमारे मामले में दखलंदाजी मत दे। ये लोग यहाँ काम करने आए हैं, तुम इनकी बेइज्जती करोगे मैं देखता रहूंगा। तुझे मैं चीर के रख दूंगा। आ जाओ।
पांडे, मुझे माफ कर दो। अगर मेरी बीवी को पता चला तो वो फांसी पर लटक जाएगी। मुझे छोड़ दो। भाई साहब, आपका शुक्रिया। चलो सब गाड़ी में बैठो। वैसे तुम लोग जो काम कर रही हो बहुत बढ़िया कर रही हो। मालिक, उससे उठकर खड़ा होना नहीं हो रहा है। बार बार नीचे गिर जाती है। दवा पिला दिए, थोड़ी देर में उठ जाएगी। ठीक है, आओ खेत पर चलते हैं। ठीक है मालिक। घर में आदमी भी खड़े नहीं हो पा रहे हैं और जानवर भी नहीं। छे। अरे पांडे जरा रुक, ये इधर क्या कर रहा है? क्या हुआ भाई? इसे छोड़ेंगे नहीं, इसको आज सबक सिखा कर रहेंगे। एक बार बोलने से सुनता नहीं है ये। नहीं, अरे क्या भाई, जो पैसे लिया उसे दोगे कि नहीं दोगे? अरे अरे दे दूंगा भाई। ए पांडी, अरे तू पूछ, तू पूछ, आजा मेरे पूछने पे बताएगा क्या? पूछना। अरे इन सब लफड़ों में मुझे मत डालो। अपना लफड़ा है, तुम लोग सलटाओ। वो मेरे मामा के लिए। इस घर में तो सारे काम अजीब अजीब से हो रहे हैं। मैं जब से यहाँ शादी करके आई हूँ एक दिन भी इस गाड़ी में नहीं बैठी। कांजी खाने की तो मेरी किस्मत ही नहीं है। चलो जाने दो, मैं चलती हूँ, बहुत काम है। पांडी भाई, क्या हो गया? बावड़ी के अंदर गिर गई है। कौन सी बावड़ी? आप जल्दी से जाइए। चलो चलो, मैं और आदमियों को बुला कर लाती हूं। वजन बहुत बढ़ गया है, लगता है बहुत पानी पी लिया है। पता नहीं कि बच्ची है। भगवान, ये क्या हो गया? भाई साहब एक बार चेक करिए ना, हम बचा सकते हैं इसे। पांडे, इसी कहानी खत्म हो गई, अब हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। कालिया भाई, बकरा कहाँ गया?
दो दिनों तक बहुत तकलीफ में था भाई, इसीलिए पिताजी ने कहा कि उसे काट करके सालन बना दो। सुबह से हमें दौड़ाया और अब खुद ही रो रहे हो। चलो तुम लोगों की चमड़ी फेरता हूँ। अरे भाई रुको रुको, अरे रुको यार। अरे ए, महेश दो दिन से दिखाई नहीं दे रहा था, कहीं बाहर गया था क्या? अरे क्या बात कर रहे हो भाई, काम धंधा नहीं है, घर में बहुत प्रॉब्लम है। क्या परेशानी है मुझे बताना। क्या बोलूं यार, कहीं पे भी जॉब नहीं मिल रही। मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा पर जॉब नहीं मिली। पैसों की बहुत प्रॉब्लम है यार, आखिर में तुम्हारे भरोसे आया हूँ भाई। हे, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं पर्स घर पे छोड़ा हूँ। अरे तो किसी से मांग के दे देना यार। ए भाई सुन ना, तेरी उधार मांगने की आदत नहीं गई, कितना मांगता है, मुझे भी पैसे पापा ही देते हैं यार। ए पांडी प्लीज यार गोली मत दे यार, तेरे भरोसे ही आया हूँ। कितनी की जरूरत है तुझे? 5,000 की जरूरत है। ठीक है ये ले, ये मेरी अंगूठी गिरवी रख दे, जब तेरे पास पैसे हो तो मुझे लौटा देना। अरे यार तू तो भगवान की तरह मेरे लिए, तेरा ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा यार। अरे छोड़ ना यार, बहुत बहुत धन्यवाद, जाके अपना काम कर। अंदर घुसकर बच्चे लोगों के साथ बहुत नौटंकी करता है, वो भी अपने एमएलए के घर के अंदर। और ऊपर से ग्राउंड में जो लफड़ा हुआ था ना, उस छोकरे को मार दिया। अगर आप समझाएंगे तो अच्छा होगा। एक बार आप उसे समझा दीजिए ठीक रहेगा। अब किसी के घर के अंदर भी घुसने लग गए? मैं चोरी करने थोड़ी ना गया था। बच्चों के साथ मिलकर नौटंकी करते हो? गांव में सभी की कमियां मैं ढूंढता हूं, लेकिन अब गांव वाले मेरी कमियां ढूंढ रहे हैं। अपनी पढ़ाई के मुताबिक काम ढूंढ लो, या फिर जो हमारा काम है उस पर ध्यान दो। ऐसे ही फालतू गांव में घूमते रहते हो, ऐसे जिंदगी नहीं कटती है। वो पुलिस वाला हमारी बिरादरी का था, इसीलिए बात नहीं बढ़ी। तुम किसी काम के लायक नहीं हो। कल ही तुम्हें बड़ी माँ के घर जाना होगा और अपने चचेरे भाइयों के साथ मिलकर तुम्हें कुछ अच्छा काम करना होगा। जब तक काम नहीं मिलेगा मैं तुम्हें पैसे भेजता रहूंगा। क्या हुआ, मैं बकबक कर रहा हूं और तू चुपचाप खड़ा है? ठीक है पापा मैं चलता हूं। भाई जरा एक चाय देना। ठीक है साहब। सर चाय। हेलो, अरे कैसे हो यार? हे मैं बहुत अच्छा हूँ। क्या बात है, अचानक फोन किया? हे मैं जिस जगह पे हूँ अगर तुझे बता दूंगा ना तो तू खुश हो जाएगा। अरे क्या बताऊँ कहाँ हूँ, बताऊंगा तो दुखी हो जाओगे। हे मैं कोयम्बतूर में हूँ यार। कोयम्बतूर? कोयम्बतूर में क्या कर रहे हो? चाय पी रहा हूँ। चाय पीने के लिए कोयम्बतूर आए हो? ए, मेरा मजाक मत उड़ा, ये बता तू है कहाँ अभी? ए, तुमसे अच्छे ये लोग हैं, तुम कहाँ हो अभी? बताया ना कोयम्बतूर में हूँ यार। कोयम्बतूर में कहाँ? ए, ये बस स्टैंड के पास ही हूँ मैं। अच्छा बस स्टैंड पे हो? हाँ कावेरी होटल है ना वहीं पे। अच्छा होटल में हो? हाँ उसके अपोजिट में खड़ा हूँ। अरे बस स्टैंड पर हो ना, एक हिसाब से बस स्टैंड ही समझ ले। सुनो तुम्हें इस खेल में शामिल करूंगा ना तभी तुम लाइन पर आओगे। अच्छा अच्छा सुनो एक काम करो जरा। हाँ? बस स्टैंड के बगल में एक गली है। हाँ? है उसके अंदर जाओगे तो एक गणपति का मंदिर। हाँ? मिलेगा, तुम वहीं पहुंचो, मैं वहीं पर पहुंच रहा हूँ। ठीक है आ जा तू। यहाँ से लेफ्ट लेता हूँ मैं। अरे क्या हो गया भाई, क्यों भाग रहा है पता नहीं।
उसके पीछे क्यों पड़े हैं? अरे बाप रे, पांडे को मैंने इस खेल में शामिल किया है, उन लोगों को छोड़ने का नहीं। ए, अरे मेरे पीछे आओ, मेरे पीछे पीछे आओ। भाई ए, कहां जा रहा है? हेलो डूड, ठीक से पहुंच गया ना? ए, तू भाग क्यों रहा है? अरे रुकना यार, चलो रनिंग में ही बात करेंगे। ए, रुक जा। अरे रोक मत, दौड़ क्यों रहा है? अरे रोक मत भाई। और बता, घर में सब ठीक है ना? तुम ठीक हो ना? सब कुछ ठीक है, ये तेरे पीछे क्यों पड़े हैं? तुझे दौड़ा क्यों रहे हैं? अरे छोटी सी बात है यार। छोटी सी बात पे इतना कोई भागता है क्या? छोटी सी बात मतलब एक लड़की का मामला है, लड़की खूबसूरत थी इसलिए धक्का मार दिया, उसी चक्कर में ये लोग मुझे दौड़ा रहे हैं यार। भागता रहा भागता रहा। तू रुकने वाला है या नहीं? अरे नहीं हो सकता यार। अच्छा अच्छा अच्छा, कॉलेज में घुस जा घुस जा घुस जा। अच्छा अच्छा अच्छा, घुस जा घुस जा, चले गए चले गए। अच्छा अच्छा, अरे आ जा यार। अरे बाप रे, कोयम्बतूर में एंट्री बहुत अच्छी हुई मेरी। अरे बाप रे, बच गया यार आज हम लोग। वैसे भाई तुम यहाँ पर आए क्यों यार? वो क्या है कि बस ऐसे ही पूछ रहा था यार। मेरे बाप ने मुझे भगा दिया, इसलिए मैं यहाँ चला आया। पिताजी ने बोला? तो फिर तुम यहाँ कोयम्बटूर क्यों आए? कुछ काम करने आया हूँ। छोड़ो यार, वैसे भी आजकल पिताजी की बात कौन मानता है? वैसे उन्होंने करूर जाने के लिए क्यों कहा था? काम करने के लिए बोल रहे थे। हैं? अरे यार, तुम्हारे पास इतना धन है, अरे काम नहीं करोगे ना तो भी काफी है, और तुम्हें बोल रहे काम करने के लिए, कैसे आदमी है यार। अरे भाई, क्या बात है भाई? एक बढ़िया सी गरम गरम चाय पिला दे। अभी बना देता हूँ। हमारे दुकान पर चाय पीने में सुकून मिलता है मुझे। मोर्गन की चाय एकदम कमाल की होती है भाई। क्योंकि चाय को तुम गर्म पानी की तरह बनाते हो तो फ्री में टॉयलेट हो जाता है भाई। ए, सुबह सुबह दिमाग खराब मत कर, बढ़ाया चेहरा देखने, चल निकल। कहाँ से चले आते हैं पता? अरे भाई मुर्गन, एक ब्लैक टी दे दो भाई। क्या बात है गणेश, अचानक से ब्लैक टी मांग रहे हो? अरे 3 दिनों से जुलाब हो रहा है, अब अगर किसी डॉक्टर से जाकर मिलूंगा तो 302-402 ऐसा बोलेंगे। अब तुम्हारे हाथों का ब्लैक टी पीऊंगा तो झट से जुलाब रुक जाएगा। अभी जाते हो या गर्म पानी मुंह पर फेंक दूं? अरे बड़ा आया, यही कर दूंगा। इसका चेहरा देखो, सुबह जाने के लिए और रोकने के लिए आते हैं। ये हॉस्पिटल नहीं है, चाय की दुकान है, आ जाते हैं दिमाग खराब करने के लिए। क्या बात है मुर्गन, गाना बहुत बढ़िया है। ए, जो मैं बोलता हूँ वो तुम्हें गाना सुनाई देता है क्या? तो नहीं सुनाई देगा। वैसे ये सर कौन है? ये सर नहीं, पांडे है। रिश्तेदार या फ्रेंड है? फ्रेंड है। कॉफी या चाय? चाय। स्ट्रॉन्ग या लाइट? मीडियम। चीनी ज्यादा या कम? हिसाब से। ठंडी दूं या ऐसे ही दे दूं? अब तुम चाय बनाओगे कि दूं एक लगाकर? अरे आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? और क्या, तेरी दुकान पर चाय पीने के लिए आधा प्लेट बिरयानी खा के आना पड़ेगा क्या? अरे यार, कुछ खाने के लिए चाहिए क्या? बड़ा चाहिए या समोसा? अरे चुप रहे, नहीं तो अभी खाएगा तू। ले चाय पी ले। इसी तरह बात करते रहो, सारा काम बन जाएगा। है लच्छू? लक्ष्मण, सब ठीक है ना? कोई टेंशन नहीं है ना? अरे रुको रुको, यहाँ सिग्नल नहीं है, दूर जाके बात करता हूँ। वैसे प्रोजेक्ट कैसा चल रहा है तुम्हारा? कल रात में तुम्हारा ही फाइल ओपन करने के लिए सोच रहा था। इसी गांव में एक बहुत बड़ा हड्डा आ गया। आज तो पैसा मिल गया। अरे बुढ़ा नहीं भाई, हड्डा। वैसे भी मेरी एक इमेज है ना, तो सारी फाइल नहीं खुल के देख सकता। ठीक है तुरंत आता हूँ भाई, तुरंत जाना है, मैं काम खत्म करके आता हूँ। ठीक है, आ जाएगा ना? अरे जाते समय अपशकुन नहीं बोलना चाहिए यार, वहाँ ढेर सारे फाइल्स को देखना पड़ता है। ठीक है, एक काम करो, घर पे जाके सो जाओ, मैं जल्दी आता हूँ। தெரியானது அல்லாதியானது அந்த வகையில் அடுத்த பாடலும் தனம் 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 தானனானா தனம் 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 தானனானா தனம் 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 तनम 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 संभल कर चलिए, आराम से आराम से। क्या बात है यार, बहुत सोच रहा है? क्या सोचूंगा, जो सोचना चाहिए। क्या ढूंढ रहा है भाई? जो ढूंढना चाहिए वही ढूंढ रहा हूँ। इधर इधर इधर। तू मटन बिरयानी खाया है, धोखेबाज, अकेले खा के देखो कैसे बैठा हुआ है।
क्या बात है, फोन क्यों नहीं किया? उन्हें फोन किया तो पता चला तुम वहाँ नहीं पहुँचे। मैं कोयम्बटूर में आ गया। कोयम्बटूर? वहाँ क्यों गया तू? और वहाँ पर तो ठहरा कहाँ है? अरे पापा, वो मेरा दोस्त है ना सेवन, बस उसी के यहाँ रुका हूँ। यार क्या कर रहा है? वो सामने ही बैठा है। फोन उसे दे। हाँ देता हूँ पापा जी। ये बात क्या कर रही है तूने? बात करना। अरे बोल, तो बाहर गया हूँ। अंकल जी, सेवन काले बोल रहा हूँ। अंकल जी बेटा, काम धंधा कैसा चल रहा है? अभी तक तो अच्छा ही चल रहा है अंकल जी। दलाली का काम कर रहा है क्या? अंकल जी, मेरा मतलब पगार अच्छे से बढ़ा कर देते हैं। हर महीने कुछ ना कुछ बढ़ा कर ही देते हैं। उसे भी ऐसे ही काम पर लगा दो। ठीक है अंकल जी। ठीक है, और कुछ? नहीं नहीं, और कुछ भी नहीं। ठीक है, पांडे को फोन दो। देता हूँ देता हूँ। बदमाश कहीं का। हाँ पापा। देखा कितने अच्छे से काम धंधा कर रहा है वो। बहुत अच्छा लड़का है, कम से कम उसे देखकर सुधर जा। ठीक है, फोन रखता हूँ। हाँ ठीक है पापा। ए, पता है तुझे देख के सुधरने के लिए बोला है उन्होंने। मैं तो तुझे समझा रहा हूँ, तू ही मेरी बात नहीं मानता है। लगता है मेरे दोस्त सेवन ने हमें देख लिया है। अरे बाप रे, क्या बोला उसने? अरे वो रूम खाली करके मुझे गांव जाने को बोलेगा। हमारी शादी की बात पर तुम्हारे घर वाले कैसे रिएक्ट करेंगे? मेरे घर में? परमेश्वरी, देखो तुम्हारा लड़का किसे लेकर के आया है। ना कार्ड छपवाया, ना किसी को दावत दी, सीधे शादी करके लेके आ गया। अब रिश्तेदारों को क्या बोलूंगा मैं? सबसे नजरें चुरानी पड़ेंगी मुझे। मैं सिर्फ इसलिए उसे बख्श रहा हूं क्योंकि ये लड़की बहुत अच्छी दिख रही है। अरे मैं कोई गाना थोड़ी ना गा रहा हूँ, तुम्हें उनकी एक्टिंग करके दिखा रहा हूँ। ओह, ऐसी बात है। यहाँ पर आओ। ये पैसे रखो। ठीक है। ये पैसे तुम अपने पास संभाल के रखना। हाँ ठीक है। मेरी बहू का नाम ग्रेसी होगा, उसे दे देना। वादा करो दे दोगे ना? मैडम, वैसे तुम मेरे घर आओगे तो क्या करोगे? मैं इधर इधर अच्छी।
अरे ये क्या बात है, अपना भाई तो एकदम ओवर कर रहा है, अगर ऐसे जाएंगे तो मैं फंस जाऊंगा। ये ठीक नहीं होगा। मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी, तुम अच्छे से खाओगी ना बेटा? खा ले मेरी बच्ची, खाना अच्छा है ना? बहुत अच्छा है। मैंने जिन तीनों लड़कियों के बारे में बात की थी वो यही हैं। नमस्ते सर। ओके मैडम, और कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? अरे वो सब मैं संभाल लूंगी, डरेंगे तो पैसा कैसे कमाएंगे? पैसा कमाने के लिए रिस्क तो लेना पड़ता है ना। बिना कोई परेशानी खड़ा किए बात तो मानेंगी ना? इन लोगों को मेरी बात माननी ही पड़ेगी, अगर नहीं मानेंगी तो इन्हें पता है मैं क्या करती हूँ। कल सुबह मैं इसी वक्त आकर एडवांस दे देता हूँ, पूरे पैसे देकर इन लोगों को लेकर जाता हूँ। चलता हूँ मैडम। अच्छा हुआ भाई, हम जैसा सोच रहे थे वैसा काम हो गया। पांच दिनों के लिए तुम लोग मेरे साथ बाहर जा रही हो, वहाँ तुम लोग जैसे चाहो रह सकती हो। ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, किसी को बताया या भागने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? कुछ भी कहो लेकिन ये ब्रोकर लोगों का विश्वास नहीं कर सकते हैं। दीदी, दीदी। तुम लोग रो मत, मैंने सब कुछ सुन लिया है, हमारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा, भगवान हमारा साथ देंगे। इतने दिनों तक तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? बताती तो तुम दुखी हो जाते, पहले ऐसा कुछ भी नहीं था, अभी अभी ये सब शुरू हुआ है। मैं चाहती हूँ कि तुम कुछ भी करके उनकी मदद करो। ठीक है, तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। इन्हें लेकर जाइए। फादर। यस फादर। इन बच्चियों को सिस्टर देख लेगी। ठीक है फादर। यह जो हमारा ब्रांच है उसे हम हैदराबाद में शिफ्ट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ जो भी है उन सबको दो तीन दिन में हम हैदराबाद भेज देंगे। ठीक है, उसके लिए मैं पेपर वर्क शुरू कर देता हूँ। थैंक यू फादर। थैंक यू। सिस्टर इन्हें लेकर जाइए। तुम इस तरह से क्या सोच रहे हो? हमने सब सोच के किया था लेकिन इतनी मुश्किल हो जाएगी नहीं पता था। तुम इतनी दूर चली जाओगी तो मैं कैसे रह पाऊंगा? फादर। नमस्ते। नमस्ते। आपसे एक जरूरी बात करनी है। चलिए चलते चलते बात करते हैं। किसी और को रख के इस होम को मेंटेन नहीं करवा सकते हैं क्या फादर? इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता पांडे, ये एक ट्रस्ट का फैसला है, उन्होंने अच्छे से निगरानी रखने वाले इस होम को ट्रांसफर करने के लिए बोल दिया है। ऊपर से बच्चे लोगों को भी अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा ऐसा वो भरोसा रखते जी, हैं। जी फादर। कॉलेज स्कूल सब मिलाकर एक बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर मिलेगा ग्रेसी, फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ऐसी बात नहीं है, दरअसल क्या हुआ, आप इसे हैदराबाद लेके चले जाएंगे तो हम एक दूसरे से मिल नहीं पाएंगे, ये सोच के मुझे तकलीफ हो रही है।
मैंने भी वही सोचा था, लेकिन ये ट्रस्ट का फैसला है पांडी। उसके लिए एक ही रास्ता बचा है। वो क्या है फादर? क्या है कि तुम दोनों को आपस में शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि उस ट्रस्ट के रूल्स के मुताबिक लड़का लड़की शादी हो जाने के बाद ही होम छोड़कर बाहर जा सकते हैं। वो भी लोकल में रहने वाले को एक चर्च की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। वो बड़ी बात नहीं है, मैं उसे संभाल लूंगा। लेकिन अगर ऐसा ही करना है तो उसके लिए एक ही दिन बचा है। कल से हैदराबाद ब्रांच के हाथ में कंट्रोल चला जाएगा, बाद में मेरे हाथ में भी कुछ नहीं बचेगा। अब फैसला तुम लोगों के हाथ में है। गॉड ब्लेस यू। कौन हो पूछ रहा है? नमस्ते भाई। क्या बात है भाई? मैं कोयम्बतूर काम के सिलसिले में गया। अच्छा, था तो वहाँ अपना पांडी मिला था। तो क्या हुआ भाई? पांडी वहाँ एक लड़की के साथ घूम रहा था। ये तो क्या बोल रहा है? हाँ भाई, सही बोल रहा हूँ, इसीलिए मैंने सोचा आपको सब बता दूँ। हेलो। हाँ पापा, बोलिए। गांव कब आ रहे हो? कुछ ही दिनों में आ जाऊंगा पापा। कुछ दिनों में नहीं, तुम्हें जल्दी आना होगा। जवाब क्यों नहीं दे रहे? देखो, मैं पैसा भेजना बंद कर दूंगा। 2 दिन के अंदर गांव आ जा। हाँ ठीक है पापा। फोन रख। ये हुई ना बात। आज भी सोचा किसी न किसी तरह घर पर फोन आएगा, पर फोन क्यों नहीं आया? क्योंकि ऐसी नौटंकी चल रही है, इसीलिए ना। इस बार मेले में बड़े साहब आएंगे, ऐसा बोल रहे थे सब लोग, पता है क्या? पता नहीं और इस घर में क्या क्या होने वाला है। सर झुकाकर चलने वाला लड़का ऐसा कह रहे थे ना, पर अब लगता है कि सर झुकाकर हमें ही चलना पड़ेगा। ऐसे मुझे क्या देख रही हो, काम करो। हेलो। हाँ बोलिए भाई। जीजा जी है वहाँ? यहीं पर है, अभी फोन देती हूँ। ए मंडिया, भाई किधर है?
अरे बगीचे में देखो ना। बाप रे इतनी बड़ी पुड़िया बांध रहे हो, छोटी करो। अरे मैं ठीक से बांध दूंगा, आप जाइए ना। क्या बात है, बहुत बड़ा गुंडा है। जब हम मारने के लिए गए थे तो दुश्मन को देखते ही पैंट गीली हुई थी इसकी। अरे हमारे खिलाफ कोई भी खड़ा हो सकता है क्या? सुनिए मेरे भाई ने फोन किया है, ये लीजिए। हाँ बोलिए भाई। जीजा जी अपने छोटे के लिए लड़की देखनी होगी। कौन? अपना चेला पांडे के लिए? एक मिनट में आता हूँ। वो सब तो ठीक है साले साहब, लेकिन अपनी बहन मुथु लक्ष्मी अपनी बेटी से शादी की बातें कर रही थी। अगर ये बात मालूम पड़ा तो माँ बेटी दोनों फांसी पर लटक जाएंगी। मानता हूँ कि मुथु लक्ष्मी की बेटी बहुत अच्छी है, लेकिन हम अपने बेटे की शादी उससे नहीं कर सकते। याद है आपने एक दिन कहा था कि आपके भाई के रिश्ते में एक अच्छी लड़की है? हाँ साले साहब, खून खराबे वाले लोग हैं, अपने जैसे ही है, सोने की भीड़ इकट्ठा कर देंगे। कुछ भी करके शादी फिक्स कर दीजिए। ठीक है साले साहब, मेरी जिम्मेदारी है, इस जिम्मेदारी को पूरे किए बिना मैं चुप नहीं बैठूंगा। रखता हूँ साले साहब। ठीक है। फादर मैं दिल जो है अच्छी चीजों के बारे में सोचता है, इसमें मजहब काम नहीं आता। मेरा फ्रेंड अभी थोड़ी देर में आ जाएगा। हाँ दो दिन के लिए मैं उसके रूम में स्टे करूंगा, उसके बाद हम एक कमरा देख लेंगे। ठीक है? ठीक है चलो। ए, इतनी देर क्यों लगा दी तूने? अरे यार तुम तो जानते ही हो ना, तुम्हें अपने रूम पर ठहराया है तो तुम्हारे गांव वाले मेरे परिवार वाले को जला देंगे। मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, मुझे माफ कर देना यार प्लीज। मेरे रूम पे मत आना यार अब। ओ, मेरा बैग भी तैयार करके लाया है। ये मेरी शादी का गिफ्ट है क्या? ऐसी ऐसी बात नहीं है यार। चल थैंक्स। अभी हम कहाँ जाएंगे? क्या हुआ, ऐसे शांत क्यों बैठे हो? क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हारी तकलीफ खुशी में बदल जाएगी। क्या बात है कुमार स्वामी, आज तुम्हारे चेहरे पर बहुत रौनक है। अरे चुप रहो यार, आज कोई बकरा नहीं मिला, हाथों में खुजली हो रही है। यहाँ कोई घर किराए पे मिलेगा क्या? ब्रोकर से पूछना पड़ेगा। है? क्या बात है? इन भाई साहब को घर चाहिए। अच्छा कितने रेंज का देख रहे हैं आप? वो हम दोनों को ही रहना है, छोटा भी रहेगा तो चलेगा। एक छोटा सा घर अगर कहिए तो आपको बताऊं। चलेगा भाई चलेगा। सुनो भाई एक छोटा सा कमरा है, मैं इनको दिखा करके आता हूँ। भाई मैं ब्रोकर नहीं हूँ, लेकिन जरा देख लीजिएगा मेरे बारे में। आपको कितने पैसे देने पड़ेंगे? अरे आप डरो मत भाई, बस क्वार्टर का इंतजाम कर देना मेरे लिए। रूम कितने रेंज का रहेगा? 800 रुपए भाड़ा है और 2000 रुपए एडवांस है। भाई ये लीजिए भैया, ये सब बिल्कुल सपने जैसा लग रहा है ना। आइए दीदी। हाँ मेरे पति ने बताया आज ही आप लोगों की शादी हुई है। ये लीजिए ये फैन आप और आपके लिए। मेरे घर में एक और है, काम चल जाएगा। थैंक यू, बाद में मिलती हूँ। हाँ आओ बेटी। लक्ष्मी क्या है जी? इधर आओ। क्या बात है ग्रेसी, नया घर नई जगह, लगता है जिंदगी सेट हो गई। इसे आप पहले से जानते हैं क्या? अच्छे से जानता हूँ, इसी की वजह से मैं रास्ते पर आ गया, इसका कुछ तो करना ही पड़ेगा। दे दिए ग्रेसी।
ये लो पी लो। क्या हुआ तुम उदास क्यों? ए सुनो। क्या हुआ भैया? तुम लोग घर खाली कर दो। क्यों, ऐसा क्या हो गया? तुम लोगों ने चोरी छुपे शादी किया ना, उसके लिए मेरे घर में जगह नहीं है। सर हमने चोरी छुपे नहीं, सारी रीति रिवाज से किया है सर। देखो फालतू की बातें मत करो, घर खाली करने के लिए बोला मतलब खाली करो। तुम्हारा एडवांस यहाँ रख देता हूँ। ये लोग जब कहेंगे घर खाली करने को हम खाली कर देंगे क्या? मैं नहीं खाली करने वाला हूँ, इनके पास कोई और काम धंधा तो है नहीं। देखो प्लीज रहने दो ना। समझ में नहीं आ रहा इन्होंने अचानक से घर खाली करने के लिए क्यों बोल दिया। इसको तो मैं छोड़ो, शांत हो जाओ प्लीज। तुम रो क्यों रही हो? यहाँ क्या कर रहे हो तुम? हमारे महल को ठीक कर रहा हूँ मैं। महल बना रहे हो? अच्छा ठीक है, आइए महाराज जी, खाने का वक्त हो गया है। आ रहा हूँ मेरी रानी। पधारिए, आपके लिए स्वादिष्ट भोजन और अमृत इंतजार कर रहा है। अच्छा देवी जी, अमृत तो यहाँ है लेकिन फल कहाँ है? यहाँ है देवी जी, ये फल तो बड़ा अजीब है, वैसे आप इस फल को लाई कहाँ से हैं? ये देवलोक का फल है, थोड़ा अमृत पीकर इसे चख लिया। आहा, ऐसा क्या? खुशी के मारे आपकी आंखों से पानी आ जाएगा। अच्छा। देख लीजिए। क्या हुआ आपको? क्या बात है? कुछ नहीं। प्यास तीखा लगा क्या? मैं तुम्हें ढंग से खाना भी नहीं खिला पा रहा हूँ यार। अच्छा क्या कह रहे हो, ऐसी बातें मत करो। असल में अगर मुझे महल की जिंदगी भी मिल जाती ना, तो ऐसी खुशी कभी नहीं मिलती। क्या बोल रहा है असिस्टेंट है? कोई बात नहीं, इंतजाम कर देंगे यार, तू इतनी प्रॉब्लम क्यों ले रहा है? हैं? हाँ हाँ, तू टेंशन मत ले। महेश, तुम यहाँ कैसे, क्या कर रहे हो? क्या बात है यार, मैं तो यही रहता हूँ, यही काम करता हूँ, अपना सब कुछ अच्छा चल रहा है। यार तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ काम ढूंढ रहा हूँ। तुम क्यों काम करना चाहते हो, तुम्हें क्या कमी है यार? यार थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है, मैंने शादी कर ली है यार। अरे क्या बोल रहे हो, तुम्हारे पिताजी को ये बात पता है क्या? वो नहीं जानते। तो अब तुम क्या करने वाले हो? क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई काम भी नहीं मिल रहा है, बहुत टेंशन में हूं यार। क्या यार, कैसी बात कर रहे हो तुम? ठीक है, तुम यहीं पे वेट करो, एक छोटा सा काम निपटा के आता हूँ। जल्दी आना, वेट करो अभी आता हूँ। ए महेश, क्या है? क्या बात है, तुम्हारा गांव वाला कब से वेट कर रहा है? कौन, वो अभी तक गया नहीं क्या? नहीं, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं, काम चाहिए पैसा चाहिए बोल रहा है, फालतू में जान खाने आ जाते हैं। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, चलो खाना खा ले। क्या बात है, ऐसा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? कुछ नहीं, जरा पैंट में देखना कितने पैसे बचे हैं मेरे पास। ₹330 बचे हैं। चलो फिर घर के लिए कुछ राशन खरीद के ले आते हैं। कल मुझे एक टेलीकॉम कंपनी में जॉब के लिए इंटरव्यू देना है, वहाँ से कुछ पॉजिटिव रिस्पांस आएगा मुझे ऐसा लगा। सर सर सर, गुस्सा है क्या अभी? सुन भाई, चाहे तो दो थप्पड़ मार ले यार, लेकिन मुझसे इस तरह गुस्सा मत हो यार, मुझे अच्छा नहीं लग रहा यार। मैं तेरे ऊपर गुस्सा नहीं हूँ यार, तू जान, मैं तेरा फ्रेंड हूँ ना, बीच रास्ते में जो छोड़ के चला जाए वो फ्रेंड होता है क्या? तेरी जैसी हिम्मत मुझ में नहीं है ना यार, अगर होती तो मैं खुद खड़े होकर तुम्हारी शादी नहीं करवाता,
मैं अपने आप से बहुत शर्मिंदा हूँ यार। हे छोड़ ना, रो मत यार। मैं सोच रहा हूँ कुछ काम ढूंढ लूँ, उसके बाद पिताजी से समझौता कर लूंगा। हाँ यार सही कह रहा है, पहले वो काम कर तू। मैं तो भाग भाग कर थक गया हूँ, अभी भी कई लोग मेरे पीछे भाग रहे हैं। इसीलिए तुम मुझसे मिलने आया है क्या यहाँ? मैं खुद भाग कर आया। अच्छा सुन यार, मिलते हैं। अरे वो लोग आ गए, जरा संभाल लेना, मैं निकलता हूँ। चलो कुछ फल खा लेते हैं। ले लीजिए माँ जी, मैं भी कुछ फल ले लेती हूँ। चलिए जी। आंटी कितने का है ये? 20 रुपए का भाई साहब। ठीक है दे दीजिए। हे क्या हुआ तुम्हें? उन्हें देख रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं भी बिल्कुल उनकी तरह पैरों में पायल पहनकर बालों में फूल सजा कर रखूं। बस इतनी सी बात? चलो चल के देखते हैं। हाँ जा जा, सही मौका आने दो फिर बताता हूँ। क्या हुआ बेटी? क्या हुआ तुम्हें ग्रेसी? क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है ना? मासिक रुक गया है क्या? चलो डॉक्टर के पास ले चलता हूँ तुम्हें। डरने की जरूरत नहीं, खुशखबरी है बेटा, ये माँ बनने वाली है, जो इसे अच्छा लगे वो खरीद कर खिलाना। हे भगवान, ये क्या कर दिया, मेरी सारी ख्वाहिशों पर पानी फेर दिया, सबको धोखा देकर चला गया, मैं क्या करूंगी। आज तक इनके खिलाफ किसी ने एक शब्द नहीं कहा, इनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ कर दिया उसने, क्या कहेंगे सब लोग, सब मजाक उड़ाएंगे इनका। इतने दिनों से नहीं लगने वाला फोन आज लग जाएगा क्या? तुम लोग मुझे और मेरी बेटी को मार डालो, चिता जला दो हमारी। हमारी इज्जत के साथ खिलवाड़ हो गया साले साहब, सिर्फ 5 लाख खर्चा होगा, आप हाँ कहो तो उसका नामो निशान मिटा देता हूँ। क्या कहा? मेरे बेटे का खून करने के लिए मुझसे पैसे मांग रहा है? अरे भाई ये सब क्या कर रहे हो? अगर दोबारा ऐसी बात की ना तो चीर के रख दूंगा। आपकी बेइज्जती हुई इसके लिए मैं गुस्से में बोल दिया, उसके लिए मुझे माफ करना। ए, बेटे के लिए मुझे बेइज्जत होना भी मंजूर है, इस बात को यहीं पर खत्म कर दो। ग्रेसी। हाँ अभी आती हूँ। क्या बात है? क्या बात है? मुझे काम मिल गया पता है तुम्हें? मिस्टर पांडी मार्केटिंग में टेक्निकल एग्जीक्यूटिव बन गए। ऐसी बात है? और नहीं तो क्या, फॉरेन ट्रिप, कंपनी अलाउंस, सैलरी भी अच्छी, बहुत मजा आएगा। अब बचपन में मुझे जो प्यार नहीं मिला, मैं चाहती हूँ मेरी बच्ची को दुनिया की सारी खुशियाँ मिले, यही मेरी ख्वाहिश है। अब तुम्हें रोना नहीं है ग्रेसी, अब मैं तुम्हें कभी रोने नहीं दूंगा। लेकिन आज मैं बहुत दिनों के बाद इतना खुश देख रही हूँ आपको। आज मैं बहुत खुश हूँ। खैर छोड़ो, इस खुशी को हम मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। अरे अरे। उसने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी, छोड़ूंगा नहीं उसे। मुझे बता दिया ना, अब भूल जाओ तुम, एक बार जो मेरी नजर पे चढ़ गया वो बसता नहीं है। जा रहा है जाकर देखो। इस वक्त कौन आ सकता है, क्या टाइम हो रहा है? हाँ
अरे क्या बात है, सो रहे थे क्या? सब ठीक है ना? अच्छा। हाँ। आइए। बैठिए ना। तुम बैठो ना बेटा। क्या बात है बेटे, इस सासू माँ को भूल गए ना? क्या बात है भांजे, तुम्हें ढूंढते हुए आ गए ना? पांडे, कल 10 बजे से हम तुम्हारा घर ढूंढ रहे हैं, अब जाके घर का पता चला है। सुनो बेटा, यही लड़की है क्या? हाँ हाँ। हाँ। क्या बात है, आज सब लोग यहाँ क्यों आए हैं? कल ही तुम्हारी जगह का पता चला, इसीलिए तुरंत तुमसे मिलने के लिए चले आए। सिर्फ तुम ही सरप्राइज दे सकते हो, हम नहीं दे सकते क्या? आप लोग बैठिए, मैं आता हूँ। शर्ट पहन के आ रहा हूँ। तुम्हारा नाम क्या है बेटी? ग्रेसी। तुम जीजस की पूजा करती हो ना? ठीक है, आप लोग बैठिए, मैं चाय बना कर लाती हूं। ठीक है, ठीक है बेटे। कितना बड़ा घर है ना? लड़का बहुत बड़ा काम कर रहा है ना? भाई आज हम उसका कुछ नहीं कर सकते। ए, क्या बोल रहे हो तुम? वहाँ पे सब लोग हैं। अच्छा ये बात है, मिस हो गया आज, भाई को संभालना होगा। ठीक है, आ जाओ मैं देख लूंगा। ठीक है भाई। क्या बात है, आज तुम बहुत खुश नजर आ रही हो। हाँ, तुम्हारे घर से सब लोग आए हैं ना? तुम्हें पता है वो लोग क्यों आए हैं? हमें अलग करके ले जाने के लिए। क्या हुआ, डर लग रहा है क्या? तुम तो मेरे साथ हो ना? ठीक है, चाय बनाओ। ये लड़की दिखने में बहुत अच्छी है। तो क्या, मेरे पांडी में कोई कमी है क्या? अच्छी पढ़ी लिखी लड़की से शादी किया है, हमारे गांव की अनपढ़ लड़की से थोड़ी ना शादी किया है। पिताजी अभी भी गुस्से में है क्या? तो क्या नहीं करेंगे, तुम्हारी शादी धूमधाम से करने की सोची थी और तुमने ऐसा कर दिया। दो बेटी। बेटी तुम्हारे लिए, ये लो। क्या बात है, शक्कर बहुत डाल दिया। चाय में शक्कर ज्यादा हो गई लग रहा है। वैसे तुम्हारे घर वाले मान गए क्या? नहीं, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं आश्रम में ही पली बड़ी हूँ। ये तुम क्या बोल रही हो, ऐसा नहीं बोला जाता है बेटी। तुम्हें पता है 4 गांव जितने रिश्तेदार हैं मेरे। पांडी से मेरी बेटी की शादी कराने के लिए सोच रहे थे हम लोग, अब तुम मेरी दूसरी बेटी बन गई। क्या बात है, वहाँ गला फाड़ फाड़ के रो रही थी, यहाँ प्यार जता रही हो। अरे तू भी ना, अचानक से कोई खबर सुनेंगे तो गुस्सा आ जाएगा ना। गलत बोल रही हूँ क्या बेटी? तुम खुद ही बताओ, मेरी बेटी के लिए सोचा था पर उसकी किस्मत में नहीं होगा। अरे छोड़ो भाभी, आगे की बात करो। आप सब आराम कीजिए, मैं आपके लिए नाश्ता बनाती हूँ। तुम अकेले कितना काम करोगी, मैं मदद कर देती हूँ। कोई बात नहीं। अच्छा मामा जी, धंधा कैसा चल रहा है और गाँव में भाई लोग कैसे है सब? चलते हैं, हम लोग जाकर आते हैं। ठीक है, 2 दिन रुक जाते तो अच्छा था। हम घर पर बिना बताए आए हैं, किसी और दिन आराम से आएंगे। ठीक है, मंदिर जाने का बहाना बनाकर आए हैं। भांजे, इस लड़की को देखकर गांव वाले मारने पर उतारू हो गए, इसलिए तुम्हें अपनी हिम्मत दिखानी होगी। तुम्हारी हरकत की वजह से साले साहब दुखी हो गए थे। गुस्सा ठंडा होने दो, मैं समझा कर भेज दूंगा। अरे अभी ये प्रेग्नेंट है ना, कल को बच्चा हो जाएगा तो सब मिलजुल कर रहेंगे। काम धंधे पर ध्यान दो, प्यार से रहना। चलते हैं बेटिया। संभल के जाइएगा। तुम्हारे घर वाले तो सच में कितने अच्छे हैं ना? तुम्हें हर कोई अच्छा ही लगता है। चलो। हैप्पी, आज मैं बहुत हैप्पी हूँ। मुर्गन, एक स्ट्रॉन्ग कॉफी दो। क्या बात है सेवन काले, आज बहुत खुश दिखाई दे रहे हो। अरे और नहीं तो क्या, अपना पांडी परिवार के साथ सेटल हो गया है और मेरी सारी तकलीफ छू छू मंतर हो गई है। तो फिर आगे तो पूरा मजा ही है। मजा? ऐसा मजा लेने के लिए रोड रोड सड़क सड़क किस तरह से भागा हूँ मैं ये जानता हूँ भाई। अभी मेरी एक और तकलीफ है, क्या बोलूँ मैं। वो क्या है? तेरी शक्ल रोज देखनी पड़ती है। ए, मजाक उड़ा रहे हो, जब देखो तब मजाक उड़ाते हो क्या? इस फोन को ऑन किए हुए बहुत दिन हो गए, मेरी जिंदगी अब कितनी टॉप पर जाने वाली है। एक खूबसूरत जिंदगी अब मेरी नजर के सामने दिख रही है। ऑन करते ही ऑफर आ गया। बिशियो, दिव्या, है? रम्या, काम्या, विद्या हो ना? चुम्मा, ए, शायद जीनत होगी। है? है? अरे जीनत कैसी हो? अबे ओ, मैं मुत्तू बात कर रहा हूँ। बोलिए माननीय मुत्तू जी,
बोलिए ना, कैसे हैं आप? बोलिए, सुन रहा हूँ मैं। अबे यार, अभी मैं कहाँ हूँ, अगर बताऊंगा ना तो तू खुश हो जाएगा। सेम डायलॉग। किधर हो भाई? कोयम्बटूर में। यहाँ क्या कर रहे हो? चाय पी रहा हूँ। बस स्टैंड के सामने ही ना? अरे हाँ यार। चाय पी करके बस पकड़ के सीधा गाँव निकल जाओ। ए, मजाक क्यों कर रहे है? मैं क्यों मजाक करूंगा? तुम ही लोग आ करके मेरी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। हमारे घर में झगड़ा हो गया यार। अरे झगड़ा हो गया तो सुलझा लो ना आपस में, झगड़ा करके सीधा कोयम्बटूर चले आते हो। अबे यार, मैं यहाँ शादी करके सेटल होने के लिए आया हूँ। फिर से वही मुसीबत। क्या बात है, सेवन काले अचानक से गायब हो गया। किसने इसे पैदा किया है? बेचारा इस तरह हमेशा ही भागता रहता है। हेलो, क्या हुआ भाभी? मैं आऊं क्या? हॉस्पिटल जा रहे हैं। ठीक है जाइए। हाँ, क्या बात है? भाभी का फोन आया था, पिताजी शायद कहीं गिर गए हैं, उन्हें हॉस्पिटल लेकर के जा रहे हैं। मुझे भी बुला रहे हैं, मैं समझ नहीं आ रहा क्या करूं। अरे तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो, चलो चलते हैं। जाना तो है, लेकिन तुम नहीं, मैं अकेले जाता हूं। मैं भी साथ चलती हूं। इस कंडीशन में तुम्हारा जाना ठीक नहीं है। ऐसे ही कंडीशन में मुझे वहां जाकर मिलना चाहिए। ससुर जी कैसे होंगे ये सोचकर मैं अकेली नहीं रह सकती, मुझे भी ले चलो ना। ठीक है, चलो। बोल क्या बात है भाई? जिन्हें आप मारना चाहते हैं वो लड़का और लड़की इधर ही आ रहे हैं। ऐसी बात है? बैग लेकर आ रहे हैं, लगता है गांव जा रहे हैं। ए, छोड़ना नहीं, किसी भी तरह उन लोगों को अपने अड्डे पे ले गया। सर, बोलिए सर। हमें रेलवे स्टेशन जाना है। बैठिए ना भाई, अपने ही ऑटो में बैठे हैं। बराबर फंस गए, क्या बोलती हो, दोनों को ठिकाने लगा दूं? सिर्फ उसी को मारो, आखिरी समय में अनाथ बनकर रोड पर पड़ा रहने दो। भाई रेलवे स्टेशन तो उस तरफ है, तुम इस तरफ क्यों जा रहे हो? हाँ, उस तरफ जाएंगे तो ट्रैफिक ज्यादा रहेगा सर, अगर इस तरफ ही जाएंगे तो हम लोग जल्दी पहुंच जाएंगे। रुको, कागज निकालो। गाड़ी के कागज सर, इंश्योरेंस पर ही भूल गया। यूनिफॉर्म किधर है? उसे भी सर, जाके साहब से मिलो। ए, क्या बात हो गई? सर कागज भी नहीं है, यूनिफॉर्म भी नहीं है। ए, इधर आओ। ए, जाओ उधर। क्यों रे, यूनिफॉर्म क्यों नहीं पहना? फंक्शन में गया था सर। फंक्शन में गया, वहाँ से ऐसे ही आ गया। फंक्शन में गया तो इसलिए नहीं पहना, यूनिफॉर्म पहनने में तकलीफ हो रही है सर। चलो उधर खड़ा हो जा। मैं रेलवे स्टेशन जा रहा हूँ सर, पिताजी को चोट लग गई है, मुझे गांव जल्दी पहुँचना है सर। जाने दीजिए, वाइफ भी साथ में। अच्छा ये बात है। अरे सुनो, तुम्हारा ऑटो तो खाली है ना? ठीक है सर। सवारी को तुम लेके जाओ। ओके सर, थैंक यू। अब आ जाइए। थैंक यू सर। और तू उस ऑटो के साइड में लगा। चलो चलो। क्यों रे, सुन नहीं रहा है क्या? ऑटो साइड में ले। चलो ऑटो साइड में करो। ऑटो साइड में ले। चलो। ए, उस तरफ ले जाके खड़ा कर। भाई क्या हुआ रे? पेपर नहीं थे इसलिए पुलिस वालों ने पकड़ लिया भाई, वो लोग दूसरे ऑटो में चले गए भाई। अरे हाथ में आए हुए को छोड़ दिया, बहाना बना रहा है, जिंदा गाड़ दूंगा तुझे। तुम्हारे भरोसे सुपारी दिया था, इससे अच्छा हमें मार देते। तुम बस स्केच बनाते रहना, किसी को मारने लायक नहीं हो तुम। छे, आप परेशान मत होइए, कल ही उसकी कहानी खत्म कर दूंगा। पांडी बोल रहा हूँ भाभी। बोलो पांडी। हम लोग निकल चुके हैं, थोड़ी ही देर में पहुँच जाएंगे। इसीलिए तुम लोगों ने नहीं बताने के लिए कहा था ना, वो लड़की भी साथ में आ रही है क्या? हाँ भाभी। ठीक है, संभाल कर आओ। ठीक है, रखता हूँ भाभी। उठो ग्रेसी, यहाँ राइट में आगे लेफ्ट जाके हमारा गांव है, बस यहाँ से थोड़ी ही दूर है। थोड़ी देर के लिए गाड़ी रुकवाइए ना। क्यों, क्या हुआ? रुकवाइए ना प्लीज। भाई जरा गाड़ी साइड में लगाना।
क्या कर रही हो तुम ये? मैं किसी गांव को नहीं जानती। आपका जो गांव है वहीं पर मेरे अपने लोग हैं और यहीं के लोग मेरे रिश्तेदार हैं। मुझे इस बात की बहुत खुशी है। ए कालिया भाई, आइए मालिक, आइए मालकिन। अच्छा है ना मालिक? मैं अच्छा हूँ। और पिताजी कैसे हैं अभी? पिताजी अभी ठीक है मालिक, अगले दो दिनों में उनको घर लेकर के आ जाएंगे। ओके। उनके लिए खाना लेकर के जा रहा हूँ। ठीक है आप जाइए, मैं भी आता हूँ अभी। ठीक है। अरे पांडे कब आया तू अभी बेटा? अभी आया हूं। कैसा अभी? है बहुत अच्छा। ये लड़की कौन है? मेरी बीवी है। बहुत सुंदर है, खुश रहो खुश रहो। आशीर्वाद लो। सदा सुहागन रहो। थोड़ा रुको, मैं अभी आती हूँ। अरे देख कर नहीं चल सकती क्या? मुझसे क्यों टकरा रही हो? आइए ना देवर जी। हाँ। बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर आइए, तुम भी आओ बेटी, चलो। दादी ने रुकने के लिए बोला है, इसीलिए बुढ़ी इतनी तेजी से अंदर गई क्या? अरे ठहरो, नई नई शादी करके आ रहे हैं, आरती नहीं उतारनी है क्या? अंदर जाने को बोल रही हो? जाओ अंदर अब। आओ बेटी। तुम यहाँ के खुश तो हो ना? अरे क्या हुआ, तुम हॉस्पिटल नहीं गई क्या? नहीं मैं अकेली हूँ, अभी हॉस्पिटल जाकर देखकर आना होगा। आओ पांडे बेटा, ये तुम्हारी बीवी है क्या? हाँ। आओ बेटा बेटी आओ, तुम लोग अंदर आओ। ठीक है। हाँ, ठीक है। आओ भांजे। अच्छा हूँ। आजा मेरा बेटा, कैसा है? ये देखो तुम्हारी चाची। चाची है। हाँ, मेरी गुड़िया। चाची को लेके अंदर जाओ। हाँ? क्या बात है भांजे? हाँ? बिना बताए अचानक आ गए? ठीक है, आने की नौबत ही आ गई। भांजे तुमने तो हमारा लिफाफा बचा लिया। अच्छा ही हो गया ना, पापा से मिल लिया आप? मैं अभी अभी आया हूँ भाई, पिताजी से अभी मिलकर आया। अच्छा। क्या बात है पांडे, बहुत बड़े बड़े काम किए हैं तूने। ए चुप करो यार, भांजे से खड़े खड़े सवाल पूछ रहे हो। भांजे जाओ जाकर रेस्ट कर लो, उसके बाद पिताजी को देखने चलेंगे। ठीक है आप जाके। ठीक है ना। ऐसा देखो पेड़ की तरह तब से ऐसे ही खड़ी है, सुबह तैयार होने के लिए बोला था, अभी आती हूँ ऐसा बोलकर अब आकर के खड़ी हुई है, ये ट्यूबलाइट की जैसी है। चलो चलते हैं। भांजे तुम जाओ। ठीक है हम चलते हैं। ठीक ठीक। अरे चलो यार गाड़ी निकालो। अरे जाने दो यार। ये मेरा रूम है, मैं बचपन से इसी में रहता हूँ, मेरे सुख दुख का साथी यही रूम है। उसी का बंटवारा करने मैं भी आ गई हूँ, अब से ये दुनिया मेरी भी है। ये मेरी माँ है ग्रेसी। बहुत सुंदर है, मुझे बहुत प्यार करती थी लेकिन बीच में ही छोड़ के चली गई। सुनो बेटा पांडे। क्या बात है दादी? सुना है तेरी बीवी पेट हाँ से है अपने मंदिर के चामुंडेश्वरी हाँ। पुजारी को आने के लिए बोली हूँ। ठीक है दादी, वो पूजा करेंगे ठीक है, और आशीर्वाद हाँ, देंगे हाँ, तुम लोग नहा धोकर तैयार रहना। हाँ, मैं हाँ, रेडी हो जाते हैं। सर कुछ जरूरी काम था इसलिए आ गया। हाँ हाँ दो दिन में वापस आ जाऊंगा। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। चाचू। अरे मेरी प्यारी गुड़िया, चॉकलेट चाहिए क्या बेबी को? हाँ किसी दो तब चॉकलेट दूंगा। कितनी बार कहा है कि काम के लिए किसी एक और आदमी को रख लो, पर इस घर में कोई मेरी सुनता ही नहीं है, सारा काम मुझे अकेले करना पड़ता है। क्यों भागते हुए आ रही हो? भाई से मिलने अस्पताल जाना है ना, अब खाली हाथ तो नहीं जा सकते हैं, कुछ फल फ्रूट तो लेकर जाना पड़ेगा। लेकिन इस घर में कोई ध्यान नहीं दे रहा है, किससे मंगाऊं मैं? मैं जाके लेके आऊं क्या? ऐसा है क्या? तो मैं जाकर पैसे लाती हूं। अरे नहीं पैसे हैं मेरे पास। ठीक है ले आना तुम। ठीक है। ए गुड़िया आराम से गिर जाओगी, आराम से। कितने चॉकलेट चाहिए तुम्हें ये बताओ? 7 चॉकलेट। बस 7 ही? और क्या चाहिए तुम्हें? बिस्किट। बिस्किट और क्या? स्ट्रॉबेरीज। अच्छा और? भैया मैं तो भूल गए थे। अरे आ जाओ आ जाओ।
क्यों भूल जाऊंगा? सच बताओ भैया, भूल गए थे ना? अरे कैसे भूल सकता हूं? चॉकलेट लाए हो भैया, आपकी शादी हो गई है क्या? कौन है वो? वो नीचे ही है, जाके देख लो भैया। हां भैया, नीचे में देखना है भैया। हां हां ठीक है, सबको मिलाऊंगा। ठीक है चलो बच्चों, चलते हैं, आ जाओ। चलो चलो आराम से। चलो, कुल को बचाने के लिए तुम ही एक भगवान हो, तलवार लेकर फिरने वाले कृपा भगवान, हमारे साथ आकर रहो। हे भगवान, हे भगवान, महल बनवा कर खुशी खुशी जीने दो, बच्चे पैदा करके वंश बढ़ने दो, हमारे कुल देवता हमारे साथ आकर घर पर रहो। तलवार वाले कृपा भगवान, कृपया हमारा साथ दो, कृपया हमारा साथ दो, साथ दो भगवान। खुलेआम दिन में भी, बीच रात में भी, अगर तुम पास खड़े हो तो बुरी शक्तियां दूर हो जाएंगी। मेरे भगवान कृपया हमारे साथ रहो। तलवार वाले कृपा भगवान, कृपया हमारे साथ हमेशा खड़े रहो। पांडे बेटा, इसके साथ ही रहना, मैं अभी आती हूँ। पांडे बेटा, ऐसी ही है। हाँ? मैं दुकान से अभी आती हूँ। नहीं, नहीं नहीं, मैं जाना भूल गया था, मैं आता हूँ, मैं ले आता हूँ। हाँ ठीक है। ए, तुमने चप्पल नहीं पहनी क्या? नहीं पहने। तो पूजा करते हो क्या चप्पल की? भाई हम लोग भी आ रहे हैं, हमें भी कुछ खरीद के दे दो। हाँ ठीक है, आ जाओ, चलो 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 आगे चलो। चलो भाई। भैया आपके साथ दुकान में गए बहुत दिन हो गए। हाँ ठीक है, मैं सब कुछ खरीदूंगा। ठीक है भैया, हम लोग भी मालिक से मिलने के लिए हॉस्पिटल चले गए। मैं भी चलूंगा, हमें देखकर मालिक भाई को डांटेंगे देखने के लिए। ऐसी बात है क्या भाई? चलो चलो जाते वक्त देख लेंगे। ठीक है ना? ए फोन लगा। हेलो, हम लोग दुकान पर जा रहे हैं भाई। आओ बेटी, चलो खाना खा लो। अभी नहीं, उनको आ जाने दीजिए। अरे तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हें खाली पेट नहीं रहना चाहिए। आओ खा लो, आओ आ जाओ। नहीं बुआ जी, वो। अरे आ जाओ, तुम्हारा समय से खाना जरूरी है। चलो आ जाओ खा लो। अरे ये मासी है ना, वो दोनों एक साथ मिलकर खाना खा लेंगे, है ना? तुम चिंता मत करो, चलो मेरे साथ, चलो खा लो। अरे मैं तो मिठाई खरीदने वाला हूँ। और कैसे हो गणेश भाई? आओ पांडी, मुझे दो मिठाई चाहिए। ये लो, तुम दूसरा ले लो ना। भाई एक सिगरेट पिलाओ ना। सिगरेट? कौन सी सिगरेट चाहिए तुम्हें? सिगरेट पिला दो यार, सब चलेगी। अच्छा ऐसा क्या? जरा सिगरेट देना भाई, और चॉकलेट भी दे दो। भैया मुझे कोको मिठाई चाहिए। अरे वो कहाँ गया? अरे वो फोन करने के लिए गया, कुछ अर्जेंट काम था, बुला लूँ क्या? वो अचानक से गायब हो गया, तुम अलग व्यवहार कर रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। ऐसा कुछ नहीं है भाई। तुम लोग का व्यवहार कुछ बदल गया है। और ऐसा कुछ नहीं है भाई। भैया पांडे भैया, कहाँ जा रहे हो? चला उड़ा पता। चलो चलते हैं, आ जाओ, चलो चलो चलते हैं, आ जाओ आ जाओ। अरे रुको ना यार, थोड़ा कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक पियोगे? पिला दो। चलो ठीक है पी लो भाई, कोल्ड ड्रिंक देना ही नहीं। कितने पैसे? ठीक है जो बचे बाद में ले लूंगा, अभी आता हूँ। अरे कहाँ जा रहे हो भाई? कोल्ड ड्रिंक तुम्हारी, बता कहाँ जा रहा है, बता ना। ये लो बच्चों पी लो। पांडे भैया, पांडे भैया, क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ? हे क्या हुआ? हे ए क्या हुआ? हे अरे हे आराम से। हे No!
जाति की है ये भी पता नहीं, और तू मेरे खानदान के लड़के से शादी करेगी? बकरे को जैसे काटते हो वैसे तेरा गला काट डालेंगे। मिलाओ इसे। सुन, अगर इज्जत से नहीं पिया ना तो तुझे भी मारूंगा और उसे भी मारूंगा। मैं मेरे भतीजे के लिए लड़की पाल कर रखूंगी और तुम अपना घर बसा लोगी क्या अनाथ कहीं की? ले, पी। पी से, पी। तुझे पीना पड़ेगा। खोल मुंह। ग्रेसी, दरवाजा खोलो। ग्रेसी, मैं तुम लोग को छोड़ूंगा नहीं। दरवाजा खोलो। ग्रेसी। क्या बोला? तू उसे बहुत पसंद करती है तो इज्जत से पी, नहीं तो उसके मैं टुकड़े टुकड़े कर दूंगा तेरी आंखों के सामने। चल पी। ए, चल पी, पी। खोल मुंह। ग्रेसी, ग्रेसी। ग्रेसी। तू हमारे बारे में नहीं जानती? हमारे लिए इज्जत बहुत बड़ी चीज है। चाहे हमारा खुद का बेटा क्यों ना हो, हम उसे जान से मार देंगे। क्या सुना तूने? उनको आने दीजिए, अगर वो कहेंगे तो मैं पी लूंगी। भाभी ये बात नहीं मानेगी। सुनो, उसके टुकड़े टुकड़े करके काट दो, तभी ये पीने की बात मानेगी। तो आप उन्हें कुछ नहीं करेंगे? भाभी लगता है ये उससे बहुत ज्यादा ही प्यार करती है। करेगी ना, बिल्कुल करेगी। ए सुन, तेरे मरने के बाद हम उसे क्यों मारेंगे? उसे मना कर अपनी बेटी से उसकी शादी करवा देंगे। चलो मैं पिलाता हूँ। मुंह पकड़ो इसका। मुंह खोल। पी। चुपचाप पी ले, गिरा मत। ग्रेसी, 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 तुमने ये क्यों पिया? ग्रेसी, ग्रेसी क्यों पिया तुमने इसे? इन लोगों ने आपको मरने की धमकी दी थी। ए, इसने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद की। ए, वो तुझे माँ कह के बुलाती थी ना। ए, ऐसा मत करो। मुझे छोड़ दो। मैं छोड़ दो नहीं। ए दरवाजा खोलो। ए दरवाजा खोलो। ए खोलो। कोई दरवाजा ना। नहीं खुलेगा दरवाजा। खोलो। खोलो। अरे कोई दरवाजा खोलो। चला नहीं।
ऐसा मत करो, मुझे छोड़ दो। ये हाल किया ना उसे, मुझे मत मारो। ग्रेसी 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 तुम्हें कुछ नहीं होगा। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? दरवाजा खोलो दादी, दादी दरवाजा खोलो। खोल रही हूँ। खोलो लेके जा जल्दी से। देखो क्या कर लेके जा। उन्होंने मेरी ग्रेसी को क्यों किया? उन्होंने क्या कर दिया? कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा तुम्हें। चेला पांडी, ए चेला पांडी, तुमसे कोई मिलने आया है? ग्रेसी, कैसी हो तुम? बस कुछ दिन और फिर सब ठीक हो जाएगा। मैं, तुम, हमारा बच्चा, सब सब एक साथ रहेंगे। ये तुम देख रही हो ना, ये तुम्हारी याद दिलाता है मुझे। ऐसा लगता है कि तुम मेरे साथ हो, तुम मुझे छोड़ के कहीं गई ही नहीं, है ना ग्रेसी? ग्रेसी 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 Thank you.
बेटा। बेटा पांडे, पांडे चलना पांडे। तो फिर इस मैटर को ऐसे ही छोड़ दें? मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए। Ha 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 ha.